गुड मॉर्निंग, मैं हूं अंजू और अंजू वर्ल्ड ब्लॉग से मैं आप सभी को फिर से बहुत बहुत ही स्वागत करती हूं फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब? मैं कहता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूं। और यहां पे मैं कर रही हूं मॉर्निंग का काम। सुबह के हो गए मेरे रूटीन स्टार्ट सालों और अभी बजे है सुबह के 9। तो सुबह सुबह मैं लग गई हूँ घर का कामों में। तो न्यू ब्लॉग के साथ आप लोगों के साथ मैं स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं घर का सबसे पहले घर का झाड़ू लगा रही हूँ और झाड़ू लगाने के बाद मुझे लगाना है पोछा हाथ से, तो फिर मैं हाथ से पोछा लगाऊंगी। तो आज का छोटा सा ब्लॉग वीडियो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ फ्रेंड्स। तो आप लोग मेरे वीडियो पे बने रही हैं और यहाँ पे तो मैं घर का पोछा लगा रही हूँ और उधर बेलकोनी में ना वॉशिंग मशीन में ना मैंने कपड़े रखा है। तो आज मेरा ना ज़्यादा ही कपड़े हो गए, तो आज मुझे हाथ से कपड़े नहीं धोना है, इसीलिए मैंने वॉशिंग मशीन में रख दिया कपड़े। तो उधर तो मशीन में कपड़े पड़े हुए हैं और इधर मैं कर रही हूँ घर का पोछा लगा रही हूँ। और आज मुझे ना सुबह सुबह ना जल्दी मुझे काम करना है क्योंकि आज मेरे घर पे ना मेहमान आने वाले हैं और मैंने बुलाया है मेहमान को, और वो है वेस्ट बंगाल के कोलकाता के है, इसलिए मैंने खाने पे बुलाया है और वो लोग मेरे घर पे आने वाले। एक्चुअली क्या हुआ, वो लोग ना छुट्टी गए थे घर पे एक महीने के लिए, अभी आज के दिन वो लोग आ रही है और दिन में तो पहुँचेंगे 2 बजे तक। तो फिर हमें ना ऐसे हो जाते हैं ना फैमिलीज़ को ना, जब हम घर जाते हैं ना तो फिर खाने पीने घर का पूरा ना गंदा हो जाता है, 1 महीना 2 महीने तक छुट्टी जाती है तो फिर घर का खाने पीने आके थक जाती है, कुछ कर नहीं सकते ना, इसलिए हम भी ऐसे हो जाते हैं। कोई हम अगर घर पे छुट्टी कट के आते तो कोई हमारे लिए भी खाना बना के दे देती है, ऐसा नहीं है। तो वही मैं वो मेरे ना बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड हैं तो उनके लिए मैं अभी खाना बनाने वाली हूँ और आज मुझे जल्दी खाना बनाना है, 2 बजे तक तो मेरा काम कंप्लीट करना है। और यहाँ पे हो गए मेरा पोछा, घर का पोछा, मैंने ना पूरा तीनों रूम का ना पोछा लगा दिया। तो हाथ से हो गया इधर मेरा पोछा और इसके बाद ना मैं थोड़ा बहुत काम करके ना इसके बाद मैं नहाऊँगी। नहाने के बाद मैं जो क्या कहते हैं खाना ये सब मैं बनाऊँगी। एक्चुअली मैं नहाने के बाद ही मैं खाना बनाती हूँ। और इधर बाटों में ना मेरा घर का पोछा भी हो गए है और मेरा वॉशिंग मशीन में इधर कपड़े भी हो गए धुलाए और मुझे ये सब सुखाना है। अभी वैसे भी तो मैं हाथ से कपड़े धोती हूँ और आज मेरा ना ज़्यादा ही कपड़े हो गए, मेरे हस्बैंड का, लड़की का और मेरा तीनों का। तो मुझे लगा इतना ज़्यादा कपड़े हैं तो फिर किसी ने मुझे हाथ से धोना है, तो फिर मैंने ना मशीन में दे दिया पूरा कपड़े। और अभी कपड़े तो हो गए मेरे धोना, तो आज ना इतना अच्छे से धुल पा रही ना, क्या बताऊँ आप लोगों को। और कपड़े सुखाने में ना कोई टेंशन नहीं है आजकल, और एक घंटे 2 घंटे में अच्छे से कपड़े सूख जाते हैं। गर्मी आ गया ना, इतना भी गर्मी नहीं आई है, और पहले क्या था ना 2 दिन लग जाते थे मुझे कपड़े सुखाने के लिए, ऊपर से ठंडा और ऊपर से भी इतना बारिश, तो कपड़े सूखते नहीं थे। और अभी तो कोई कपड़े सुखाने की टेंशन भी नहीं है, 1 घंटा 2 घंटा में ना कपड़े आराम से सूख जाते हैं। और यहाँ पे मैं कपड़े सुखा रही हूँ और जो सूखे कपड़े हैं ना मैं किनारे पे रख लूँ साइड में, क्योंकि मैंने ना साइड पे सियार रखा हुआ है, जो भी कपड़े सूख जाती है ना मैं वही अभी ना सियार के ऊपर रख रही हूँ। अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए और थोड़ी देर बाद।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आ गया मैं किचन में और अभी मैं बना रही हूँ खाना। एक्चुअली क्या हुआ, मैं नहाने के बाद मैंने पूजा किया और पूजा करने के बाद जो थोड़ा बहुत कम बचा हुआ था वो मैंने करके रख दिया। तो अभी आ गए मैं किचन में खाना बनाने के लिए और अभी बजे है 1 और मुझे 2 बजे से पहले मुझे खाना कंप्लीट करना है, क्योंकि लोग जब घर पे आते हैं क्या करें क्या ना करें ऐसे हो जाती है। तो फिर गली गली में मैं खाना बना रही और आज मुझे ज़्यादा ही खाना बनाना पड़ रहा है। और तो आज मैंने बनाया दाल बनाए हैं और जो मेरे 1 लीटर दूध घर का है वो पनीर पड़ा है। इसके बाद शिमला मिर्च, ये सब सब्ज़ी, टमाटो, आलू, शिमला मिर्च का ये सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। और साथ में चावल बनाऊंगी, क्योंकि जो मेरे घर पे आ रही है खाने के लिए वो लोग रोटी नहीं खाते हैं। मुझे फ़ोन करके मना कर दिया कि रोटी नहीं बनाना, बेकार परेशान हो जाओगे, तो चावल ही बना के रख देना कर दो। तो फिर मैं उधर बना रही हूँ उन लोगों के लिए जल्दी जल्दी खाना। तो आधा तो हो गए और थोड़ा बहुत बाकी है, वो मैं जल्दी जल्दी करके रख देती हूँ। आके बन गए मेरा खाना और मैंने खाना बना के रख दिया, बाद में खाऊंगी। तो अभी मैं जा रही हूँ बाहर कपड़े करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी आ गए मैं बेलकोनी में। तो फिर ये पीछे का हिस्सा है हमारे घर का, तो इधर मेरा कपड़े सूख गए हैं और लगभग, तो फिर मैं कपड़े जो सूखी कपड़ी है उसको मैं हटा रही हूँ। और मैंने बोला 1 घंटा 2 घंटा में कपड़े सूख जाते हैं। अभी तो 3 बजे, अभी 3 बज गए हैं और हमने खाना भी खा लिया। तो मैं तो गाइस, हम लोगों ने खाना भी खा लिया और खाना खा के मैं अभी धूप सेक रही हूँ, बाहर बैठी हुई हूँ और आज का ब्लॉग यहाँ पर इन करती हूँ। तो गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप लोगों का ऐसे प्यार और सपोर्ट ऐसे मिलते रहे, तो आप लोग मुझे ऐसे प्यार और सपोर्ट करते रहना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।